हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपी चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि यूजी यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम के क्या है जो अलॉटमेंट लेटर थे फ्रेंड्स, वो आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। वो कैसे डाउनलोड करना है, अलॉटमेंट लेटर को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अलॉटमेंट लेटर यानी कि क्या होता है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फ्रेंड्स आपने जो चॉइस फिलिंग कर ली थी, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा कॉलेज मिला है, वही कॉलेज देखने के लिए उसी को कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। तो फ्रेंड्स, वो अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। अब वो अलॉटमेंट लेटर कैसे देखना है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा या चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है ना वो भी दबा लेना है, जैसे इससे रिलेटेड जो भी वीडियो में डालूंगा उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा, ई प्रवेश डॉट निक डॉट इन, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और जो इसका जो लिंक है ना फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वापस जा डायरेक्ट ओके करना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है एक अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपको क्या है ओके कर देना होगा। तो मैंने अंडर ग्रेजुएट पर ओके कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, एक नया विंडो ओपन खुल गया है, यहाँ से इसको चेक मार कर देना होगा और यहाँ से आई अग्री पर ओके करके आगे बढ़ जाना होगा। अब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, नीचे जाना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको तीन लिंक दिखाई देने वाले हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिसीव प्रिंट अलॉटमेंट लेटर और कॉलेज कोर्स वाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। आपको क्या है अलॉटमेंट लेटर निकालना है, तो अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए आपको इस पर ओके कर देना होगा, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। और जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक आप इसको निकाल सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने और इसकी एक लिंक और आई है कॉलेज कोर्स वाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसी के ऊपर आएगा। तो अब आपको क्या करना है अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए, यहाँ पर ओके कर देना होगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ से मैं प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर ओके कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ओके किया हमारे सामने ऐसा नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर में अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, इसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देना होगा, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर डालना है, इसके बाद में व्यू डिटेल पर ओके करना है। तो चलिए दोस्तों, एक मैं कैंडिडेट का यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन कर लिया है फॉर्म। अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्यूआर कोड, इसको स्कैन करते ही आपका पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसको स्कैन करते ही। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कैंडिडेट का है जो कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो रेफरेंस नंबर है वो भी आ चुका है। यानी कि इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि इस कैंडिडेट का जो मैंने कैंडिडेट डाउनलोड किया है तो इसका जो है आवंटन हो चुका है, यानी कि इसका जो कॉलेज में फर्स्ट राउंड में एडमिशन किया था इस बंदे ने, उसका क्या है कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, एक पीछे के पीछे सबसे नीचे पीछे दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर, प्रावधिक आवंटन, इसका क्या मतलब, इसको हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसका जो एडमिशन हो चुका है फाइनली। तो अब यहाँ पर आपको, अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, और इसमें यहाँ पर इसका जो एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर विषय में देखिए पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन सीट आवंटन, इसका मतलब है कि इसको ऑनलाइन आवंटन हो चुका है अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद में ऑनलाइन इसका एक आवेदन क्रमांक भी आ चुका है, डेट यहाँ पर डेट है 27/6/2019, यहाँ पर जो पूरा इसका डाटा दिया गया है पूरा। इसके बाद में इस बंदे को कौन सा कॉलेज मिला है, यहाँ पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा यहाँ पर एक कॉलेज मिला है इसको, और किस सब्जेक्ट से मिला है बीकॉम कॉमर्स। और यहाँ पर और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है मध्य प्रदेश, इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ जिससे आपको क्या समझ में आ जाएगा क्लियरली। अब मैं आपको बताता हूँ विशेष टिप, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग आपको यहाँ सूचित करता है कि आपके द्वारा चयनित प्राथमिकताओं यानी कि चॉइस फिलिंग के आधार पर उपरोक्त महाविद्यालय आपको आवंटन किया गया, यानी कि इसको बुला लिया गया है कॉलेज में, सीट का आवंटन विशद रूप से प्रावधिक है, महाविद्यालय में आपको प्रवेश दस्तावेजों और
पात्रता मानदंडों के सत्यापन के अधीन है। आपसे अनुरोध है कि प्रवेश की अंतिम तिथि तक 1/7/2019 या उससे पूर्व आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करें। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, आपका आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया था उसमें आपका नाम आ चुका है, जिस कॉलेज में आपको नाम आ चुका है उसको आपको क्या करना है, 1 जुलाई 2019 से पहले पहले उस कॉलेज में जाना है और आपके समस्त डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ले जाना है, जैसे 10th 12th की मार्कशीट होती है वो, और जो आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सब चीज़ें आपको ले जानी है और वहाँ पर आपको एडमिशन करा लेना है 1 जुलाई से पहले पहले। अगर ऐसा नहीं करते तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जब आपको यहाँ से ले जाओगे तो आप यहाँ पर देख लेना है कि आपको क्या क्या ले जाना है। ये तो जन्मतिथि प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं करना है, इसका प्रिंट निकाल के आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब कॉलेज वाले करेंगे, इस पर राइट का निशान नहीं करना है। ये आपका सब चीज चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, आपको TC ले जानी है, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, 12th की अनुसूची, जाति प्रमाण पत्र, अगर स्थान अंक सूची अपने लिए नहीं है फ्रेंड तो जो भी आप इसमें दिया गया है, जो भी आपके पास हो सब कुछ आपको ले जाना है, कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना होगा। इसके बाद में आपको क्या है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, वहाँ से प्रिंट इसका निकाल लेना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिनकी जो अलॉटमेंट लेटर नहीं आए हैं उनको क्या मैसेज आ रहा है, जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं आए हैं उनको क्या मैसेज आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि इनके अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं, ऐसा अब इनके अलॉटमेंट लेटर नहीं आए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड इसके लिए भी आपको वहीं पर आ जाना होगा, इसके होम पेज पर यहाँ पर अपना एप्लीकेंट आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वहीं सेम प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फ्रेंड्स मैं इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबाइए, और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे क्या मुझे अच्छा लगे अगर आप लाइक करेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जब जिनके जो अलॉटमेंट लेटर नहीं आए हैं, जो अलॉटमेंट लेटर होते हैं ना फ्रेंड्स वो जिनके नहीं आए हैं उनको क्या मैसेज आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिसका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है उसका जो पूरा डाटा यहाँ पर फिल करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसका डाटा फिल कर दिया है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सब कुछ डाल दिया, कैप्चा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस जगह पर यहाँ पर बीयू डिटेल पर ओके करता हूँ और आपको लाइव बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप करने देखना है। अब यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा आपके सामने, इसको मैं जूम कर लेता हूँ मैसेज को, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है फ्रेंड्स, नो इंस्टीट्यूट अलाउडेड टू यू, यानी कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं हुआ है और यहाँ से कर देना है ओके। तो फ्रेंड्स अगर जिन कैंडिडेट के जो कि अलाउ हो जाते हैं, इनको इंस्टीट्यूट मिल जाता है, कोई सा भी कॉलेज मिल जाता है, तो उसको तो क्या है जो पहले मैंने बताया था, उसको तो डायरेक्ट जो प्रिंटआउट निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जब जिनका अलाउमेंट लेटर नहीं आता है तो उनका जो उनके लिए एक ऐसा मैसेज आ जाता है, उस मैसेज में दिखाई देता है कि नो इंस्टीट्यूट अलाउडेड टू यू, यानी कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि, और यहाँ से आपको क्या कर देना होगा, इनको नहीं मिला है उनके लिए, यहाँ से ओके कर देना होगा और वहीं सेम हो जाएगा। और अगर आप आगे और भी कैंडिडेट का निकालना चाहते हो तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो, कमेंट करके बताना है कैसा लगा है आपको ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आए हैं ना इनके, तो उनकी जो लास्ट डेट है कॉलेज में फ्रेंड्स, जो कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है ना वो ओनली 1 जुलाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जिनके अलाउमेंट हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 जुलाई से पहले पहले अपने कॉलेज में एडमिशन करवा लें, नहीं तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि क्या हुआ, अगर 1 जुलाई के बाद अगर 2 जुलाई को आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओगे तो आपको क्या है, आपको ना तो एडमिशन कराया जाएगा और जो आपने जो चॉइस फिलिंग की थी वो भी आपकी निरस्त कर दी जाएगी। फिर जो सेकेंड राउंड आएगा ना फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड आएगा ना उसमें आपको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो गया वही रहेगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और आपको उसमें फिर से आपका डबल पैसा जाएगा, और उसकी गारंटी भी नहीं है कि आपका सेकंड राउंड में भी फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन आ सकता है नाम या आपको कॉलेज मिल सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहने वाली है। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में जो आ गया आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो सेकेंड राउंड में आना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है 1 जुलाई से पहले पहले क्या कॉलेज में जाइए और उसका अपना जो अलॉटमेंट लेटर, आप मैंने आपको समस्त डॉक्यूमेंट बताए दिए कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको, वही डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए 1 जुलाई से पहले। फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं आपको, इस एक लिंक और आया है इस जगह पर,
कॉलेज कोर्स बाय ओपनिंग क्लोजिंग, ये किस चीज का लिंक है, इसमें क्या चीज दिया गया, ये भी इसका एक थोड़ा इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे, कमेंट करके बोलोगे सर इसका इसके लिए भी एक वीडियो बनाइए, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपको बिल्कुल समझाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आप मैं अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कैसा लगा, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें अगर कोई गलती हो रही हो तो मैं इसको सुधारने की और कोशिश करूँगा। तो आप मुझे बताइए, अगर गलती हो रही है तो आप उसे कमेंट करके बताइए आप मुझे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।